सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चा वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयते। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम् प्रेमामृतकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि आश्रयामि आश्रयामि। श्री राधावल्लभलाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। वृंदावनेश्वरी की चरण रेणु की कृपा से अद्यावधि जिन रसिक महानुभावों ने वृंदावन के इस रहस्य रस का अनुभव एवं आस्वादन किया है, एक विषय में सभी सयाने एक मत हैं कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप। रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरियाहे, हित ध्रुव दे मन रंग लेहु पल पल अवगाहे। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करूं उपाय अपार। और बड़ी महत्वपूर्ण बात अंत में कहते हैं, सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है ये बार। वृंदावन की रसमाधुरी के आस्वादन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि वृंदावन का आश्रय हो। राधा तत्व को इस संसार में प्रकीर्तित किंवा प्रतिष्ठित करने वाले, जिनके लिए नाभाजी महाराज ने भी भक्तमाल में लिखा, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। हितरिवंश महाप्रभु अपने हार्द ग्रंथ श्रीमद सुधा निधि में एक स्थान पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दूराद पास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराश, वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। दुराद पास से स्वजनान सुखमर्थ कोटिम और उससे भी महत्वपूर्ण सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराश, अर्थात अपने स्वजन सुहृद संबंधी धन मान संपत्ति प्रतिष्ठा वैभव, बोले इसको तो मैंने एक और रख दिया है। अगली बात कहते हैं, सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराश, अर्थात भजन तप साधन योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा इनसे भी मेरी चिर निराशा हो चुकी है।
वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम। इस वृंदावन की, इस निभृत निकुंज प्रदेश की सीमा में कोई ऐसी अद्भुत निधि है। वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, सुख की धारा प्रवाहित करना जिसका सहज स्वभाव है। यहाँ के रसिकों ने प्रिया जी का स्वभाव कहा है, बोले सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। श्री ठाकुर जी के और श्री किशोरी जी के स्वभाव में किंचित भेद है, बिलग नहीं है। प्रिया जी का स्वभाव लाल जी के स्वभाव से बिलग नहीं है, किंचित विलक्षण है। श्री ठाकुर जी की शरण में आप आए तो आपको शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी, प्रभु आपकी शरण में हूं। श्री प्रिया जी के सन्मुख होते ही काम बन जाता है, आपको शरणम गतः ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? जिस प्रकार सूर्य के सन्मुख कोई जाए तो वहां प्रकाश की याचना नहीं है, वहां प्रकाश के लिए प्रार्थना नहीं है। प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, और कैसा स्वभाव? सहज स्वभाव, जिसमें उसको कोई प्रयास प्रयत्न नहीं करना पड़ता। एक बड़ा ही सुंदर संबोधन महाप्रभु देते हैं सुधा निधि में श्री प्रिया जी के लिए। हे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नयनी राधिका, अर्थात जिनके नेत्र करुणा से सदा आर्द्र रहते हैं, जैसे क्या होता है, किंचित सी ऊष्मा मिलते ही रस से भरा घन बरस जाता है, ऐसे किंचित तप्त जीव कोई प्रिया जी के सन्मुख आता है, किंचित तप्त जीव सन्मुख आता है तो पूर्ण अनुराग रस सागर सार मूर्ति श्री राधिका। वृंदावन की उपासना यही विलक्षणता लिए हुए है। श्री कृष्ण सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्व कारण हैं, सर्वशेषी हैं, किंतु सर्व सुलभ नहीं है, सर्व सुलभ नहीं है। वृंदावन में वो तत्व जिसके लिए रसिकाचार्यों ने कहा, यत पादाम्बुर हैक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रय। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपा दृष्टे स्तस्या नमोस्तु ऋषभानुभुवो महिम। तो कुछ तो ऐसा विचित्र किंबा विलक्षण रस प्रवाहित होता है इस वृंदावन की सीमा में, कुछ तो विलक्षण है, लेकिन वो विलक्षणता क्या है ये वाणी का विषय नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, श्रुति कहती है, बोले वो जो रस है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, ऐसा नहीं कि किसी ने उस रस की चर्चा कर दी अर्थात उसने उस रस को प्राप्त कर लिया। जानकारी एक बात है, अनुभूति थोड़ा आगे का विषय है, और जिसकी आपने अनुभूति की उस पर आपने अधिकार भी प्राप्त कर लिया अर्थात आपको उसी अनुभूति की समुपलब्धि हो जाए, ये अलग बात है। वृंदावन इसीलिए विलक्षण है क्योंकि वृंदावन में अनुभूति बिना प्रयास के होती है। आप ना भी प्रयास करें, वृंदावन के रसिकों ने वृंदावन की महिमा प्रकीर्तित करते हुए यही कहा कि और देश में बसत ही घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। क्यों? चलत फिरत सुनियत रहो जहां राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबकार। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो मुझे यदि जैसा श्री भैया जी ने कहा कि आप किंचित श्री प्रिया जी के स्वरूप पर कुछ निवेदन करें, श्री राधा के स्वरूप की चर्चा किंवा श्री राधा के स्वरूप की अनुभूति तो कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, चर्चा
के लिए आवश्यक है कि भूमि वृंदावन की हो। केवल ये भूमि नहीं जहां पर हम स्थूल रूप से शारीरिक रूप से बैठकर मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, क्योंकि कथन का भी कुछ उद्देश्य है, श्रवण का भी कुछ उद्देश्य है, चिंतन का भी कुछ उद्देश्य है। हृदय की भूमि पर ये भाव किसी प्रकार प्रतिष्ठित हो, यही कथन और श्रवण का लाभ भी है और यही कथन और श्रवण का उद्देश्य भी है। रसिकाचार्यों ने और विशेष रूप से रसिकाचार्य वर्य इस धराधाम पर इस निभृत निकुंज रस को प्रकट और प्रतिष्ठित करने वाले श्री हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा विनु सबके मनन अगम्य। अर्थात मनुह की जहां गति नहीं। एक बड़ा अद्भुत श्लोक महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं कि क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा, बोले कहां तो वो श्री राधा, कौन सी राधा, वो नहीं जो ब्रजपुर में वृषभानुपुर में वृषभानु बाबा के महल में खेलती हैं, वो श्री राधा नहीं। यहां हमारे हरिदासी संप्रदाय में एक दोहा कहा जाता है, बोले एक जो गोबर पाथनी और एक पलोटत पाए, एक राधिका लाडली बोलत हूं अलसाए। मैं उस राधा की बात करता हूं, कौन सी राधा, ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, कौन सी राधा यो ब्रह्म रुद्र शुकनारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। बोले वो परम पुरुष श्री कृष्ण, वो सर्वेश्वर, वो सर्वाधार, वो सर्व कारण, वो सर्वत्र सर्वव्याप्त कृष्ण जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैर रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। अर्थात ऐसे परम भागवतों के भी ध्यान में जिनकी चरण चंद्रिका सहसा नहीं आती वो श्री कृष्ण। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। मैं उन श्री राधा की बात करता हूं जिनकी यत किंकिरीषु बहुशय खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। बोले वो परम पुरुष शिखंड मौली जिनकी पाद पीठ को स्पर्श करने का अधिकार भी ब्रह्मादिकों को सहज सुलभ नहीं है, बोले वो श्री कृष्ण जिनकी किंकरियों के चरणों में नत होते हैं, और केवल नत नहीं होते, विवश होकर नत नहीं होते, जिनकी किंकरियों के चरणों में नत होना उनके लिए गौरव का विषय है, आनंद का विषय है। यत किंकिरीषु बहुशय खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। मैं उन श्री राधा की बात करता हूं, तो क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा। वेद तो श्री कृष्ण का भी स्पर्श नहीं कर पाते और रसो वही सह कहकर उपरत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। केवल एक अभिधा संकेत है। सर्वप्रथम तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी चर्चा यहां है वो केवल मात्र एक संकेत है, और संकेत करने वाला मेरे जैसा अल्पज्ञ हो तो समझ लीजिए वो संकेत भी पर्याप्त नहीं है। केवल मात्र एक संकेत है, क्योंकि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, मैंने आपको एक मोदक दिया, आपने जिह्वा पर रख लिया, आस्वादन कर लिया, मैं आपसे पूछूं मोदक कैसा है, आप कह देंगे मीठा है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आप मीठे की व्याख्या कर दीजिए तो आप नहीं कर सकते। वृंदावन का ये रस सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, मधुराति मधुर है, हित ध्रुव ये रस मधुर सार को सार अगाधा, और आवे तब ही हीये कृपा करे वल्लभ राधा। ये मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सर्वोपरि है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये मधुराति मधुर है, लेकिन इसकी सर्वोपरिता क्या है, इसकी विलक्षणता क्या है, कैसा माधुर्य निहित है इस रस में, इसके लिए आपको आस्वादन करना पड़ेगा। आस्वादन की एक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम श्री वृंदावन का आश्रय। महाप्रभु कहते क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा, कहां तो वो निगमों से अलक्षित श्री राधा, और कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुछ कमलयोर अंतर रेकांत वास है, और कहां उनके हृदय प्रदेश में, उनके हृदय प्रदेश में एकांत रमण करने वाले श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नहीं, मथुराधिपति श्री कृष्ण नहीं, एकांत रमण करने वाले श्री कृष्ण, जिसे गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरा एक स्वरूप ऐसा भी है जिसे कोई बिरला जानता है, जो सबको दुर्लभ है, मेरा वो विशुद्ध प्रेम स्वरूप जहां पर कोई आवरण नहीं है, समस्त आवरणों से शून्य मेरा एक स्वरूप है जो वृंदावन की निकुंज सीमा में विहार करता है। अर्जुन ने कहा प्रभु इस स्वरूप का दर्शन कराइए, भगवान ने कहा ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। क्या करना होगा,
ये कुरुक्षेत्र की भूमि पर, ये धर्म क्षेत्र की भूमि पर मेरे विराट स्वरूप का दर्शन हो सकता है, किंतु मेरे प्रेमी स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। वो स्वरूप जाही लहे कछु लेन की चाह नहीं है में होए। कोई व्यक्ति किसी को कब देता है, कुछ भी देने की बात हो, एक व्यक्ति किसी को कब भोजन कराएगा, जब उसका पेट भरा है। प्रसन्नता से भोजन कराना तो वही है, पूर्णता से भोजन कराना तो वही है जब आपका पेट भरा हो। वृंदावन के रसिकों की परिपाटी है, हमारे यहाँ श्री जी के मंदिर में ब्याउला होता है, ब्याउले के अंत में असीस दी जाती है, लाडी जू थारो अविचल रहो जी सुहाग, अलक लड़े रिजवार छैलसों नितनव बढ़ो अनुराग। हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हित हरिवंश असीस देत मुख चिर जीवो भूतलिये जोरी। नारद जी भक्ति सूत्र में एक लक्षण देते हैं, यल्लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति, और फिर कहते तृप्तो भवति। जाही लहे कछु लेन की चाह नहीं है में हो, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दो। और नारद जी ने तृप्ति सबसे अंत में लिखी, क्यों? अमलात्मा मुमुक्षु गण निर्गुण निराकार उस ब्रह्म ज्योति के ध्यान परायण होकर मोक्ष प्राप्त करके अमृत वो भी पा जाते हैं। अमृतो भवती सिद्धो भवती, और यदि बात सिद्धि की आए तो महाप्रभु कहते हैं, श्रीराधा किंकिरी नाम लुटती चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि। एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, सहस्र नहीं, चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि, उसकी यहाँ चर्चा व्यर्थ है। और वैसे भी भक्ति के मार्ग पर, भजन के मार्ग पर सिद्धि का अर्थ कुछ और है। भजन के मार्ग पे साधक वो है जिसको सर्वकाल में प्रभु प्रिय हों। अपने मन की, अपने चित्त की, अपने भजन, अपने साधन की अवस्था का निरीक्षण करके देखना। भजन के मार्ग पर तो साधक भी वो कहलाता है जिसको सर्वकाल प्रभु प्रिय हों। जाही न चाही कबो कछु बस तुम संग सहज सने अभिलाषा। एक माता ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप वृंदावन की बात करते हैं और सारी बात वृंदावन की ही करते हैं, तो वृंदावन का वास न कर सके तो क्या करें? प्रारब्ध बाधा बनता हो, शरीर बाधा बनता हो, और कोई प्रतिकूलता हो, न कर सके वृंदावन का वास तो क्या करें? वृंदावन का वास न कर सको तो वृंदावन के वास की अभिलाषा करो। ये भी महत्वपूर्ण है, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्प्रिहा। कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे, बोले महाभाग्य परिपाक, बोले मेरे साधारण भाग्य का नहीं, महाभाग्य का परिपाक हो गया। अच्छा, क्या मिल गया ऐसा आपको, क्या उपलब्ध कर लिया आपने? भगवान मिल गए? अरे उनकी हमको इच्छा नहीं है। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्प्रिहा, बोले वृंदावनेश्वरी श्री स्वामिनी जू के चरण कमलों का कैंकर्य। अच्छा, कैंकर्य मिल गया आपको? नहीं, कैंकर्य नहीं मिला, प्रिया जी के कैंकर्य की आशा मेरे मन में जगती है, यही मेरे महाभाग्य का परिपाक है। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्प्रिहा। मैं एक बार नहीं, अनेक बार निवेदन करूंगा कि मैं शब्द के माध्यम से जो कह रहा हूं वो संकेत मात्र भी नहीं है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी पड़ेगी, वृंदावन की रज मस्तक पर धारण करके। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर वृंदावन और उल्लेख। यहाँ के रसिकों का जीवन यदि आप केवल केवल एक दृष्टिपात भी करेंगे तो यहाँ के रसिकों की कैसी अद्भुत प्रीति, कैसी निश्चल निष्कैतव प्रीति वृंदावन की भूमि के प्रति। एक रसिक हुए कृष्णदास भावुक, यवनों का आक्रमण हुआ, राधा वल्लभ और कुंज बिहारी भी वृंदावन से कहीं और पधारे, लेकिन उन रसिकों ने कहा, जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूँ न जाऊं यह साची मनमानी, रहूं कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां
झलमलात वृंदावन वृंदावन राम रहो कुंज द्वार खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक पे वृंदावन मत छाड़िए छाड़ वो है बड़ी चूक क्यों क्योंकि अन्यत्र इस सीमा का परित्याग करते ही अन्यत्र जो कोटि कोटि साधनों से भी प्राप्त नहीं होगा वो वृंदावन में निस्साधन को प्राप्त होता है केवल वृंदावन का आश्रय। तो महाप्रभु कह रहे क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा मैं क्या जानता था कौन सी श्री राधा और क्वाहम उनके उनके हृदय प्रदेश में एकांत रमण करने वाले श्री कृष्ण और जब अपनी ओर दृष्टिपात करते हैं तो क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्यः गर्र कर्मा और कहा मैं नीच निंदित कर्म करने वाला प्राणी यत्तन नाम स्मृति फिर भी मेरी जिह्वा पर राधा माधव का नाम आता है। कोई लीला दर्शन नहीं हो गया महाप्रभु को जो इतने प्रसन्न हो रहे हैं जो अपने जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि मान रहे हैं केवल राधा माधव का नाम मेरी जिह्वा पर आता है यत्तन नाम स्मृति महिमा एष वृंदावन से हे वृंदावन ये आपकी महिमा है। प्रिया और प्रियतम का जो परस्पर प्रेम है एक उसका तरल स्वरूप है जिसे हम केली कहते हैं जिसे जिसे उनकी नित्य क्रीड़ा कहा जाता है ये तरल प्रवाहमान है कहाँ है सोरस कहो कहाँ ठहरानो सखियन के उरनैन समान सखियों के हृदय और नैन में ये रस प्रवाहमान है और एक उस परस्पर प्रेम का सघन स्वरूप है वो सघन स्वरूप वृंदावन धाम है। वृंदावन कुछ और नहीं ये प्रिया और प्रियतम के प्रेम का सघन स्वरूप है जैसे जल से भरा हुआ मेघ हो किंचित भूमि का ताप बढ़े ऊष्मा बढ़े तो जल से भरा मेघ बरस पड़ता है बिल्कुल ठीक ऐसे ही वृंदावन के तरुलता हैं ठीक ऐसे ही वृंदावन की ये रज है ठीक ऐसे ही वृंदावन में प्रवाहित होने वाला ये पवन है ये सघन स्वरूप है प्रिया और प्रीतम के प्रेम का लेकिन सघन होते हुए भी रस से भरा है किंचित कोई प्रेम से उत्तप्त होता है यहाँ किंचित किसी के हृदय में प्रेम का ताप प्रवृद्धमान होता है तो चहुं ओर से ये रस का घन बरस पड़ता है। इसीलिए वृंदावन के रसिकों ने अनुभूति करके कहा केवल भावना का विषय नहीं है कि प्रभु भी बाहर चले जाएं। भट्ट जी की पंक्तियां प्रसिद्ध हैं रे मन वृंदा विपिन निहार रे मन वृंदा विपिन यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो न हाथ पसार रे मन वृंदा विपिन निहार। और एक बड़ी अटपटी सी बात कह देते हैं बोले विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहूं को न निहार। हमारे अयोध्या के श्री गोपालाचार्य जी महाराज थे भगवत प्राप्त महापुरुष थे वो कहते थे बोले भैया धाम से बाहर तो लाला उत्पात करे बोले धाम से बाहर तो लाला उत्पात करे उसका कारण है जहाँ से मैंने आज अपना निवेदन आरंभ किया कि हमारे श्री ठाकुर जी के स्वभाव में और हमारी किशोरी जी के स्वभाव में किंचित विलक्षणता है। जयंत आया इंद्र का पुत्र श्री रघुनाथ जी जनक नंदिनी के साथ बैठे कुछ वार्तालाप कर रहे थे जनक जयंत आया चोंच का प्रहार किया भगवान ने एक तिनका ब्रह्मास्त्र का संधान करके फेंक दिया तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली। नारद जी को दया आई बोले भगवान की शरण में चले जाओ शरण में आया बोले प्रभु पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। फिर भी अंततः जनक नंदिनी को ही कृपाई बोले प्रभु इसे क्षमा करिए। हमारे बड़े बाबा कहा करते थे बोले भैया यहाँ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए डोलें कोई जो जीव आए जाए कछु नेक पापी होए तो ठाकुर जी के स्वरूप में तो निग्रह हैं और अनुग्रह हैं ठाकुर जी तो निग्रह भी करते हैं और अनुग्रह भी करते हैं। बोले लेकिन यहाँ प्रिया जी गलवैया दिए डोलें कोई जीव नेक पाप जाको अधिक होवे
और प्रिया प्रीतम की शरण में आ जाए। नेक ठाकुर जी को क्रोध आए वे लगे, प्रिया जी झट से कंधा दबाए दे, का करते हो। भोली सखी कहती है, भाल भाग राधा लिखियो हित भोरी को भाग। बोले प्रिया जी, हे स्वामिनी, आप मेरे कृत्यों की ओर मत देखिए, मेरा भाग्य देखिए कि आपके दर तक आ पहुंची हूं, आपका नाम लेती हूं, आपके सन्मुख हूं। ये मेरा साधारण भाग्य नहीं है, महाभाग्य परिपाक, ये मेरे महाभाग्य का परिपाक है। और एक अपूर्व सी तृप्ति जिसकी चिर प्रतीक्षा है जीव को, केवल मुझे नहीं, केवल आपको नहीं, सबको, प्राणी मात्र को जिस तृप्ति की प्रतीक्षा है, एक प्रत्येक छोटे से छोटा, शुद्र से क्षुद्र और महत से महत कार्य आप हम क्यों करते हैं, हृदय को सुख मिले। एक एक ही आशा है, एक ही आकांक्षा है, एक ही अपेक्षा है, और वो तृप्ति यहां पर सहज सुलभ है। यहां सहज सुलभ है, केवल वृंदावन में रमण करने से नहीं, सुनना, केवल रमण करने से नहीं, रमण तो भावनात्मक होता है, केवल वृंदावन में रमण करने से नहीं, केवल वृंदावन में भ्रमण करने से। मैं बहुत छोटा था तब कभी सुना करता था, आसपास कुछ माता जी लोग गाती थी, मैं तो गोविंद गोपाल गौंदी फिरा अपने मोहन नु मनौंदी फिरा। बड़ी अद्भुत महिमा है साहब, वृंदावन की रेणु, एक बड़े अद्भुत भाव प्रवीण रसिक हुए श्री गदाधर भट्ट जी, बड़ी अद्भुत श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। वृंदावन आगमन से पूर्व उनका लिखा एक पद श्री जीव गोस्वामी पाद के हाथ में पड़ गया, सखी हो श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूरत, देख बिकाय गई वह मूरत, सूरत माह पगी सखी हूँ श्याम रंग रंगी। कासो कहो और कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे कह कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। सबने गाया है, क्या है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, एक बूंद आपके हृदय में जाएगा तो पचेगा नहीं। वृंदावन की रसिक कहते, भैया काचो पारो है, खाए नहीं पची है। गोपी कहती है, सखी मत पूछ शाम का दीदार क्या है। कहती है, अरे अगर पूछूं नहीं तो तू बताती क्यों है। क्यों? क्योंकि दीदार का, उसके दीदार का प्रताप यही है कि ना कहो जाए, ना सहो जाए, ना रहो जाए। सबने कहा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, कहा नहीं जा सकता। अधिकार से वृषभानु नंदिनी के उस अपरूप रूप का वर्णन नहीं, उस अपरूप रूप का, उस यश का विस्तार करने वाले हितरी वंश महाप्रभु कहते हैं, सुन मेरो बचन छबीली राधा, सुन मेरो बचन छबीली राधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा, सुन मेरो वचन छबीली राधा, सुन मेरो वचन छबीली श्री राधा, तैं पायो शभान गोप की बेटी, तू वृषभान गोप की
जाहि बिरंचि उमापति राय, जाहि बिरंचि उमापति राय, तापत बन फूल विनाय, तापत बन फूल विनाय, जो रस तेरो रूप कहत नहिया, तेरो रूप कहत नहिया, शिखित हरिवंश कछुक जसगा,